वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बच्चा पार्टी, आपको अपना महात्मा एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो फटाफट से, ताकि आपको जो कोर्स है मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिल रहा होगा इन इंग्लिश मीडियम, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो, बहुत मिनिमम फी के साथ आपको कोर्स मिल रहा होगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो बच्चा पार्टी, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए है। 2023 में क्या सिलेबस आपका होने वाला है, आपका मार्किंग पैटर्न क्या होने वाला है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इन सब चीजों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, ये सभी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को सिलेबस को कैसे कवर करना है, कितने दिनों में क्या कवर करना है। ठीक है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि यार हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग किस सोर्स से कवर करेंगे, मतलब कहां से कवर करेंगे, कैसे हम लोग घर बैठे कवर करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। आ जाओ, क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको कि हम लोग संबंध और फलन के नाम से जानते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, सेकेंड चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस आयुग, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। फोर्थ जो है आपका डिटर्मिनेंट है, सारणिक। फिफ्थ जो चैप्टर है आपका डिफ्रेंसिएशन है, जिसको कि यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी के नाम से जाना गया है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी ठीक है यार, बट यहाँ पे आपको मेनली डिफरेंसिएशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी मीन्स सांतत्य और अवकलनीयता। ठीक है, सिक्स जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के प्रयोग। सेवेंथ इंटीग्रल्स समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग। नाइन्थ चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो की अवकलन समीकरण है। 10th चैप्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा है, जो कि सदिश है, और 11th चैप्टर आपका 3D ज्योमेट्री है, मीन्स 3D। ठीक है, तो ये आपके 11 चैप्टर हैं, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, ये आपके 11 चैप्टर हैं। 12th चैप्टर पे हम आते हैं, तो 12th जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, रैखिक प्रोग्रामन। 13th चैप्टर लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। ओके, तो ये आपके टोटल 13 चैप्टर हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। अब देखो यार, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि भैया आपका ये चैप्टर डिलीट हो गया है, ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बोर्ड जो है कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं करती है। पिछले 2 सालों से मैं बार बार बोलता हूं कि यार कोई भी सिलेबस बिहार बोर्ड डिलीट नहीं करती, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं करती है, और वैसा ही होता आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये 13 चैप्टर तो आपके हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इन 13 चैप्टर में कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार मैं आपको बताता हूं कि बिहार बोर्ड में आपका मार्क्स लाना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, तो जो 10 चैप्टर का नाम आज मैं बताऊंगा, सिर्फ उतने को आप अच्छे से कवर कर लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप एग्जाम के पेपर जब दोगे, एग्जाम हॉल में जब बैठ के पेपर दोगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो कौन से चैप्टर्स हैं मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूं, और नंबरिंग भी आपको कर देता हूं कि आपको सीरियल वाइज कैसे पढ़ना है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत तरीके से पढ़ते हैं, और गलत तरीके से पढ़ने के कारण जो है बाद में फंस जाते हैं एग्जाम के समय, उनको समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। तो वैसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, मतलब अभी से ही सभी बच्चों को जो भी वीडियो को देख रहे हैं, यार आप अच्छे से ध्यान से समझो, जो मैं सीरीज बताऊंगा, जो चैप्टर मैं पहले बताऊं पढ़ने के लिए, वही चैप्टर आप पहले पढ़ो, सेकेंड में, थर्ड में, जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से करना। ठीक है, ये नहीं करना कि यार हम पहले डिफरेंशिएशन कवर कर लेते, नहीं यार ये गलत है। बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, टीचर्स का बात कर रहा हूं, स्टूडेंट तो यार जो टीचर्स पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे ना, स्टूडेंट का कोई गलती नहीं होता है। बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, ये बोलते हैं कि भैया पहले आप डिफरेंशिएशन को कवर कर लो क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन को कवर कर लो क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। नहीं, ठीक है ज्यादा क्वेश्चन आता है, बट यार पूरे साल तो हमारे पास है ना। ठीक है, और पूरा मैथमेटिक्स कवर करने के लिए 3 महीना काफी है आपके लिए।
ठीक है, 3 महीना में आपका पूरा मैथमेटिक्स कवर हो सकता है, राइट। तो यार पहले डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, पहले कौन से चैप्टर को करना है आओ यहां देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको करना है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको नंबर 1 पे रखो। सेकेंड पे आपका देखो यार, सेकेंड पे मैं अगर बताऊं तो मैट्रिसेस ही चलो, लेकिन आपको मैं सुविधा के लिए बता दूं कि सेकेंड में पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्यों? क्योंकि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में वैसे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका 5 नंबर चैप्टर, मतलब कि पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकेंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स, फोर्थ जो है आपका इंटीग्रल्स, फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, और सेवेंथ जो है आपका आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से आपको कवर करना है। सेवेंथ, एट आपका मैट्रिसेस, नाइन्थ आपका डिटरमिनेंट, टेंथ आपका कहा गया वेक्टर, ठीक है, इलेवेंथ आपका आ जाएगा कौन सा, तो भैया 3D, और इधर जिस तरीके से है 12th में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, तो ठीक है भैया लीनियर प्रोग्रामिंग ही आएगा। 13 आपका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आएगा, और लास्ट में हमें पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। क्यों लास्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है? क्योंकि भैया ये जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ये लेंथी चैप्टर है, ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इसको लास्ट में रखता हूं। ये जो चैप्टर है ये लेंथी चैप्टर है, दैट्स व्हाई इसको लास्ट में रखा हूं, क्योंकि आपको याद, इसमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर इस चैप्टर को कवर करते हो देन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन अभी शुरुआत में ही आप कवर कर लो देन भैया हो गया सत्यानाश, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, और इसको मैंने अरेंज कर दिया है कौन से चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है, इस चैप्टर को सेकेंड में पढ़ना है, थर्ड में, फोर्थ में, इसी तरीके से कवर करोगे तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। अगर तुम इस तरीके से कवर नहीं करते हो, पहले चले जाते हो डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे, देन भैया मेरे को मत ब्लेम देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हम लोग मार्किंग पैटर्न को देखते हैं, ओके। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मार्किंग स्कीम पे कि हमारा क्या मार्किंग स्कीम रहने वाला है, हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है बिहार बोर्ड का 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, और इसमें मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपका कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ये सब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आपके बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा होता है, मीन्स की टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहां पे साइड में यहां पे बता देता हूं आपको, टोटल एमसीक्यू जो है आपके मैथमेटिक्स में 60 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 आपको बनाने होंगे, सॉरी यार 30 मैं बोल रहा हूं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। सेकेंड आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपके 30 आएंगे, जिसमें से 15 आपको बनाना है। थर्ड आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा होगा, 5 मार्क्स क्वेश्चन 8 आ रहा होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो एमसीक्यू में 60 क्वेश्चन में 50 बनाना है, 2 मार्क्स वाले में 30 में 15 बनाना है, 5 मार्क्स वाले में 8 में 4 बनाना है। तो ये आपका कुछ पैटर्न होने वाला है इस तरीके से, ठीक है। इस बार 2021 में 2020 में जो सॉरी 2021 में जो एग्जाम हुआ है और जो 2022 में एग्जाम हुआ है, इस बार 2 साल से टोटल 100-100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपका 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव इस बार नहीं रहेगा। ये क्यों? क्योंकि आपका इस बार कोविड नहीं है, कोविड पिछले ईयर था, उससे पहले था, दैट्स व्हाई वो चीज था। अगर इस बार भी कोविड आता है, ठीक है, अगर स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह 3-4 महीने बंद रहते हैं, देन फिर 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। बट अभी न्यू पैटर्न जो आया है बोर्ड की तरफ से, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 50 आपको बनाने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे होंगे ये सब के ऊपर, ठीक है। तो आ जाओ देखो, सबसे पहला रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन से 6 MCQ आ रहे होंगे, मतलब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होंगे 1 मार्क्स के, 3 2 मार्क्स क्वेश्चन, और 5 नंबर के क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन आ रहा होगा, 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन से। रिलेशन फंक्शन में आपके 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, एक फर्स्ट चैप्टर और एक सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स का। फर्स्ट चैप्टर मीन्स कि आपका
रिलेशनल फंक्शन, सेकेंड चैप्टर मतलब कि आपका इनवर्स न्यूमेटिक फंक्शन, गॉट इट। सेकेंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिला के 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। ये थी सेकेंड पे चलते हैं, थर्ड पे कैलकुलस। कैलकुलस में आपका 4-5 चैप्टर आ रहा होगा, पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस में आएंगे और कैलकुलस में टोटल 30 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। 30 एमसीक्यू आएंगे, 13 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका होने वाला है, ठीक है, हर मतलब इस बार ये होगा। वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री में आपका मेन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में आपका जो है 7 एमसीक्यू आएंगे, 6 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है 4 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, एक जो है आपके पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में 100% रहेगा, कुछ हो चाहे नहीं हो 5 नंबर के क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में 6 एमसीक्यू होंगे टोटल, जिसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 3 होंगे और एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है कुछ क्वेश्चन, किस तरीके से किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ भैया कौन से बुक को आपको फॉलो करना है, ठीक है, क्या आपको फॉलो करना है, किस सोर्स को फॉलो करना है, कौन कौन से बुक को आपको फॉलो करना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ओके। तो चलो चलते हैं हम लोग, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से बुक्स को कवर करने हैं, कौन कौन से बुक्स को कितने बार फॉलो करने हैं, ये सबको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आपको एनसीईआरटी को तो भैया एटलीस्ट 2 टाइम्स फॉलो करने ही करने, कम से कम 2 बार पूरे चैप्टर्स को, पूरे एक्सरसाइज को बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, ये मैं उस बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको मैथमेटिक्स में 100 out of 100 चाहिए। मैथमेटिक्स में 100 out of 100 लाना बहुत ईजी है। इस बार भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है 90+ मार्क्स लेकर आए हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप महात्मा जी एजुकेटर सर्च करो टेलीग्राम पे आ जाएगा, ठीक है। तो 100 out of 100 के लिए आपको ये बुक्स फॉलो करने हैं, देखो यार। और एक बंदा मेरे कोर्स से, मतलब हमने पिछले ईयर अगस्त में कोर्स लाया था जीनियस बैच करके, जिसमें मैथमेटिक्स भी था, मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स लेकर आया है इस बार 2022 में। तो मैं चाहता हूं कि भैया इस बार 100 out of 100 तो महात्मा जी एजुकेटर से जाना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं इसका नीचे में आपको लिंक दे दूंगा कि किस बच्चे को 99 मार्क्स आया है, उसका मैं नीचे में पीडीएफ में लिंक दे देता हूं, लिंक दे दिया हूं, आप जाके वहां पे चेक कर लेना कि हाँ यार मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं उसका रिजल्ट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, बुक्स आपको एनसीईआरटी तो भैया कम से कम 2 बार फॉलो करने ही कर रहे हैं, 2 बार आपको एनसीईआरटी को बना लेना है, पूरे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर्स को, गॉट इट। सेकेंड आपको आर एस अग्रवाल के कुछ नहीं तो भैया एग्जाम्पल ईमानदारी से एग्जाम्पल पूरे कर लेने हैं। थर्ड चीज आपका ब्रिलियंट गेस्ट पेपर फॉर 2023 जो कि अगस्त में आएगा, अभी नहीं आया है, जब आएगा तब जाके बनाना है। कोई क्वेश्चन बैंक नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है भाई साहब, क्वेश्चन बैंक नहीं बनाना है। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि पहले क्वेश्चन हार्ड आता था, प्रीवियस 10 ईयर्स या 10 ईयर्स के क्वेश्चन नहीं बनाने, हमको मुश्किल से 4 से 5 साल के क्वेश्चन बनाने हैं, 10 साल के क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन जो है 10 साल का रिपीट नहीं होता है, 4 से 5 साल वाला क्वेश्चन ही रिपीट होता है, जो कि ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर में आपका अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर जो कि अगस्त में आएगा, या फिर टारगेट का गेस्ट पेपर हुआ, तो गेस्ट पेपर ही आपको लेना है, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज होता है, क्वेश्चन बैंक में ईयर वाइज होता है, जो कि बहुत बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन गेस्ट पेपर में चैप्टर्स वाइज होता है, दैट्स व्हाई वो बेनिफिट उसका ज्यादा है, उसमें आप हर एक चैप्टर को अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। चलो तो ये आपके बुक हो गए। अब देखो यार आपको हमारे ऐप पे मैथमेटिक्स का फुल कोर्स मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का फुल कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, महात्मा जी एजुकेटर ऐप पे मैथमेटिक्स का फुल कोर्स आपको मिल रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में, तो मैं अभी बताता हूं। उससे पहले आपको क्या कर लेना है,
महात्मा जी एडुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले महात्मा जी एडुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है। लॉग इन करते समय ध्यान देना कि आप लोग एज ए स्टूडेंट लॉग इन करोगे, ठीक है, एज अ पेरेंट लॉग इन नहीं करोगे, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करोगे। एज ए स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद बच्चा पार्टी आपको क्या होगा कि वहां पे आपका एक होम पेज खुलेगा। होम पेज में नीचे में जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, नीचे में आपको जो है स्टोर के ऑप्शन पे चले जाना है। स्टोर के ऑप्शन पे जाने के बाद बच्चा पार्टी आपको उस पर क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन पे वहां पे आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। मैथ का कोर्स है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स चाहिए तो मैथमेटिक्स मिल जाएगा, फिजिक्स चाहिए फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री चाहिए केमिस्ट्री मिल जाएगा, या फिर तीनों चाहिए तो तीनों मिल जाएगा। तो इस तरीके से है आपको मैथमेटिक्स का कोर्स मिल रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 499 में, सिर्फ और सिर्फ भैया 499 में, इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलेगा। और फुल कोर्स आपको इसमें मिल रहा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स फुल कोर्स आपको इसमें मिलेगा। ओके, तो अभी ये मैथमेटिक्स का 499 का कोर्स है। ये प्राइस जो है अभी के लिए है, बाद में ये प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी। अभी कोर्स नया लॉन्च हुआ है तो भैया जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, 10 दिनों का ये प्राइस है, आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। एक और बेनिफिट्स है आपको इसमें, क्या बेनिफिट्स है बच्चा पार्टी, अगर आप 5 स्टूडेंट के साथ ज्वाइन होते हो, देखो भैया ये 499 लगभग 500 रुपया है, ठीक है, ये 499 लगभग 500 रुपया है। अगर तुम 5 स्टूडेंट के साथ ज्वाइन होते हो तो तुमको कितना लग सक, 5 स्टूडेंट को मिला है कितना लगेगा, 2500। लेकिन आप 5 स्टूडेंट के साथ ज्वाइन होगे, ठीक है, 5 स्टूडेंट मतलब 5 फ्रेंड एक साथ अगर ज्वाइन होते हो, देन आपका यहाँ पे फी बहुत कम लग रहा होगा, ठीक है, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप हमारे, अगर 5 स्टूडेंट के साथ अगर ज्वाइन होते हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। क्या है, 8651094437 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको मैं बता दूं यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वन मोर थिंग बच्चा पार्टी, आपको हम अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो @AbhishekSingh3452, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। देखो भाई ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ऐसा है क्या, नहीं, इस पे आपको, देखो यार मैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे रहा हूं भैया, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना परेशान करते हैं, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं आपको, इस पे सुबह 10 बजे से लेकर 10 AM टू शाम 6 PM शाम के 6 बजे तक ही आपको कॉल करने हैं, ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही आपको इस पे कॉल करने हैं, ठीक है, इस मोबाइल नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल करने हैं। इसके बाद यह मोबाइल नंबर ऑफ रहता है, ठीक है, आप व्हाट्सएप कॉल भी इस पे नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कॉल करने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही आपको कॉल कर लेना है, कभी भी किसी भी टाइम नहीं कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप कभी भी किसी भी टाइम हमें मैसेज कर सकते हो, हम सबका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लो ताकि आपको लेट ना हो, और यार फुल कोर्स आपको इसमें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अब अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी खाओ हेल्दी रहो, एंड बच्चा पार्टी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।